अमेठी में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के घर मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह इनके घर पहुंच करके सांसद स्मृति ईरानी ने युगल को आशीर्वाद दिया। स्मृति ईरानी के विधायक के घर जाने के बाद अटकलें तेज हैं। मुलाकात को दलीय भावना से नहीं देखना चाहिए, ये कहते हैं सपा विधायक। तो गौरीगंज से सपा विधायक है राकेश प्रताप सिंह। बैठक की जहां तक बात है, वो तो दीफा की बैठक है, उसका मैं सदस्य है, उसका सांसद अध्यक्ष होता है, तो बैठक में हम लोग शामिल होते हैं। पर ये आज से नहीं, मैं तो लगातार 2005 से दीफा की बैठक में, कभी राहुल गांधी के साथ तो आज ये सांसद है इनके साथ, तो बैठक में हम लोग बैठते रहे हैं। तो इसमें हर चीज को दलीय भावनाओं से और उसमें नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक अच्छी व्यवस्था है, ये इस तरह की परंपराएं रहनी भी चाहिए। और हम लोग भी भाजपा के यहाँ, अभी तेजभान जी के यहाँ दुख पड़ा, हम उनके यहाँ गए। दुर्गेश जी के यहाँ अभी तिलक थी, हम उनके यहाँ गए। हमारे यहाँ तिलक थी, सारे लोग, सारे दल के लोग आए, बसपा भाजपा कांग्रेस सबके लोग आए। तो ये आना जाना शादी ब्याह में, ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है और इसका निर्वहन होता रहना चाहिए। खबर लखनऊ से है। मनाली पिगमेंट पेंट फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ है और गैस के रिसाव से आसपास के कई लोग बेहोश हुए हैं, ये खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को खाली कराया है। लखनऊ से बड़ी खबर, मनाली पिगमेंट पेंट फैक्ट्री में गैस के रिसाव की खबर। गैस के रिसाव से कई लोग बेहोश हुए हैं, मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को खाली कराया है। लेकिन पेंट फैक्ट्री में गैस का रिसाव, गैस के रिसाव का असर यह है कि आसपास के क्षेत्र में यह गैस फैली, कई लोग बेहोश हुए हैं। यहाँ पर सर सारे मोहल्ले को प्रॉब्लम है, ये मेरे घर के सामने है, ठीक है। और ये गैस जो है रात में चलाते हैं और इतनी घुटन होती है जिससे सांस लेने में परेशानी होता है, आदमी बेहोश हो जाता है। अरे भैया, पूरी पब्लिक सुबह से परेशान, हमारी पोती नाम करी हो, वो सब खांसा बेहोश हो रही है, तो बहुत ही चिंता है भैया। हम खुद ही सुबह मर्च बच्चन सांस नहीं ले पाए तो कमरा बंद कर ली, पल्ला घुस के बच्चा जाए, कैसे महंगा कर जैसे गैस घुस के जा रहे हैं अंदर गंदी गंदी। तो आपने स्थानीय लोगों को सुना उनकी क्या समस्या है, लेकिन बड़ी बात यह है कि रिहायशी इलाके के पास ये पिगमेंट फैक्ट्री, पेंट फैक्ट्री है और यहाँ पर गैस का रिसाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस पर कितने दिन से कहाँ शिकायत की गई, क्या एक्शन लिया गया, ये कई सवाल अभी भी हैं। इस खबर के सामने आने के साथ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेंट के सामने, फैक्ट्री के सामने जितने भी रहवासी हैं, छोटी बस्तियां हैं, उनके लिए ये दिक्कत है। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, खासकर बुजुर्गों में, बच्चों में दिक्कत दिखाई दे रही है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। गोंडा से खबर है, भीषण आग का कहर देखने को मिला है। आग की चपेट में आने से कई दुकानें जलकर खाक है, लाखों का नुकसान हुआ, इस बात की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के मौर्य नगर चौराहे की घटना, तस्वीरें आपके सामने। गोंडा से ये तस्वीरें आई हैं, आग की चपेट में कई दुकानें आई हैं। मौर्य नगर चौराहे के पास ये आग लगी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुकानों में ये भीषण आग लगी है, दुकान के भीतर रखा सारा सामान जल करके खाक हुआ है। गोंडा में आग की ये तस्वीरें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।